दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सोलर कुकर, यानी कि जो एक ऐसा कुकर हम बनाएंगे जो खाना गर्म भी कर सकता है और खाने को हम उसमें बना भी सकते हैं, लेकिन वो किसी गैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी से नहीं काम करेगा, वो डायरेक्ट सन की लाइट यानी कि सन की हीट से काम करेगा। जो आपने थंबनेल में देखा वही चीज़ यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो ये रही वो चीज़, इसी चीज़ को आपने थंबनेल में देखा, इसी चीज़ के बारे में टाइटल में पढ़ा। आज मैं आपको इसी चीज़ को आपको डेमो दिखाऊंगा कि इस चीज़ को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें किस तरह से हम अपना खाना जो है गर्म कर सकते हैं या फिर खाना बना सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर पता होगा, आपने अक्सर पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में कि ये सोलर कुकर है, इसमें सन की हीट से जो है खाना गर्म हो जाता है, खाना पक सकता है, मतलब जो भी है। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ और इस चीज़ का लाइव आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि सच में इससे खाना बना सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस आप देख सकते हो ये हमारा सोलर कुकर, कुछ ये मैंने ऑलरेडी मतलब पहले से बना लिया था, मतलब मैंने आपको कैमरे में नहीं दिखा सकता कि मतलब इसको किस तरह से बनाया था, किस तरह से इसको जो भी है इसका प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा सकता, मैंने इसको पहले ही बना दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से इसका जल्दी से सब कुछ बता देता हूँ कि कितने में बन पाया ये और कितना मतलब किस तरह से हमने इसको बनाया, किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है, अच्छे से मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं, एक प्लास्टिक, एक खाली मतलब एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है, देख सकते हो सिर्फ एक कार्डबोर्ड बॉक्स है कुछ इस तरह का क्यूब शेप में। इसको हमने क्या किया, इसकी जो बाहर वाली जो चारों मतलब साइड्स हैं, एक दो ये तीन और ये चार, इन चारों को हमने अच्छी तरह से ब्लैक कलर के चार्ट पेपर की मदद से कवर कर दिया। हमने ब्लैक कलर के चार्ट से ही कवर इसलिए किया कि इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। अंदर की साइड भी आप देख सकते हो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से जो है आप देख सकते हो, अंदर की तरफ भी आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक कलर का ही हमने चार्ट पेपर यूज़ किया है, देख सकते हो कितना ब्लैक, अंदर से हमने इसको ब्लैक कलर के साथ कवर कर दिया बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ पांचों साइड्स पर अच्छे से ब्लैक कलर के चार्ट पेपर से हमने कवर कर दिया। यहाँ पर कुछ इस तरह के हमने तीन कार्डबोर्ड के पीसेस यूज़ किए हैं, आप देख सकते हो एक दो तीन, इन तीनों के ऊपर भी हमने ब्लैक चार्ट पेपर के मदद से कवर कर दिया, और इनकी अंदर वाली साइड पर हमने एलुमिनियम फॉयल का यूज़ किया है, और इसको हमने यहाँ पर से थोड़ा इस तरह का एक कट दे दिया ताकि दिखने में कुछ अच्छा लगे। और यहाँ पर हमने कुछ इस तरह की एक एक्रेलिक शीट का यूज़ किया है, जिसका यूज़ अक्सर हम बुक्स वगैरह की बाइंडिंग में ही करते हैं, ये वही चीज़ है जिससे हम अपनी बुक्स को बाइंडिंग करते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की एक क्लिप लगा दी जिसकी मदद से हम इसका जो लिड है यानी कि जो जो हमारी शीट है इसको हम उठा सकें कुछ इस तरह से ईजीली, ये देखिए कुछ इस तरह से। और साथ ही हमने यूज़ में लिया कुछ इस तरह का एक स्टेनलेस स्टील कंटेनर कुछ इस तरह का, जिसके अंदर हम अपना खाना या फिर कुछ भी चीज़ जो हम गर्म करना चाहते हैं या फिर उसको खाने को बनाना चाहते हैं वो इसके अंदर हम बना सकते हैं। और इसको ऊपर हमें लिड लगाना ज़रूरी होगा, बिना लिड के हम खाना नहीं पका सकते, ताकि जो हीट होगी जब कंडक्ट होगी तो वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए और वो कहीं से भी ट्रैप अच्छी तरह से मतलब ट्रैप हो जाए, कहीं से भी बाहर ना जा सके, इसलिए लिड का लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का साइंस क्या, यानी कि इस किस तरह से ये हमारा सोलर कुकर जो है, होममेड सोलर कुकर जिसे हम कह सकते हैं, ये किस तरह से काम करता है आपको बिल्कुल अच्छे से मैं बताऊँगा। देखिए हमने सिंपली क्या किया, देखो हमने ब्लैक कलर का चार्ट पेपर यूज़ किया, मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताता हूँ कि हमने ब्लैक कलर का ही यूज़ क्यों किया। आप भी कहोगे यार अगर हमारे पास ब्लैक कलर का चार्ट पेपर नहीं है तो हम येलो यूज़ कर सकते हैं कलर, या फिर आप नॉर्मल कोई एक्रेलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने सिर्फ सिंपली जल्दी से बस चारों तरफ मतलब अंदर बाहर अच्छे से ब्लैक कलर के चार्ट पेपर से इसको कवर कर दिया, और दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ब्लैक कलर हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो जो होता है ना हीट, मतलब सन, हमने सोलर कुकर है तो सोलर कुकर सन की हीट से काम करेगा और सन की हीट को ज़्यादा से ज़्यादा अब्सॉर्ब कर पाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो पाए हमारा खाना, इसलिए हमने ब्लैक कलर का यूज़ किया ताकि ब्लैक कलर ज़्यादा हीट को अब्सॉर्ब कर पाए। और साथ ही हमने यहाँ पर आप देख सकते हो तीन एल्यूमिनियम फॉइल की यहाँ पर हमने शीट्स लगा दी,
वो हमने इसलिए लगाई है वो हमने इसलिए यूज़ किया जिससे कि जब हम इसको सन की तरफ रखेंगे, जैसे मान लो ये सन है, इमेजिन करो मेरे हाथ में सन है और मान लो कुछ इस तरह से उसकी लाइट कुछ इस तरह से आ रही है। अब लाइट जो है वो पहले इसके ऊपर जो ये वाला आप देख रहे हो इस वाले के ऊपर जो है पहले रिफ्लेक्ट होगी सन की लाइट, और वो वही जो लाइट होगी वो इन दोनों के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगी, और फिर जो वो तीनों जो सन की रिफ्लेक्शन होगी वो इस पॉइंट के ऊपर जो ये हमारा शीट है एक्रेलिक की शीट इसके ऊपर फोकस हो जाएगी, और वो सारी हीट हमारी इस बॉक्स के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, और जो हमारा कंटेनर होगा मेटल का वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा, और वो हमारा खाना जो इसके अंदर होगा वो गर्म होगा। कुछ इस तरह से काम करता है। अब हमने यहाँ पर इसलिए ये जो आप देख रहे हो एक्रेलिक शीट हमने इसलिए यूज़ किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब हो पाए और साथ ही में जो हीट है वो अंदर ट्रैप हो जाए। आपको मैं इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आप कभी अपनी कार को कहीं पर आप कार को अपनी जगह पर किसी जगह पर पार्किंग पर रख देते हो, और पार्किंग थोड़ी देर के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, 1 से 2 घंटे के लिए आप अपनी कार को बहुत ज़्यादा धूप में खड़ी कर देते हो, और उसके बाद जब वापस आते हो अपनी कार में बैठने के लिए आपको लगता है यार बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है, आप अंदर बैठते हो। अब जैसे ही आप अंदर जाते हो आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी, जो अंदर कार के अंदर जो गर्मी होती है वो बाहर की गर्मी से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक वही चीज़ यहाँ पर काम करेगी, हीट जो अब्ज़ॉर्ब होगा हमारे इस ग्लास से, जैसे कार में भी चारों तरफ ग्लास लगे होते हैं यानी कि शीशे होते हैं, विंडो पर आगे की विंडस्क्रीन होती है, पीछे भी विंडो होती है, मतलब इस तरह से मतलब कार के चारों तरफ से क्या हो जाता है हीट बहुत अच्छी तरह से, मतलब सन की जो हीट होती है वो अच्छी तरह से अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, और ग्लास जो होता है वो हीट को ट्रैप करके रखता है यानी कि हीट को कहीं से भी बाहर नहीं जाने देता, और जो कार के अंदर का जो एयर होता है वो बहुत बुरी तरह से गर्म हो जाता है। ठीक कुछ इस तरह से ही इसके हमारा जो सोलर कुकर है वो भी कुछ इस तरह से ही काम करता है। इसके अंदर हीट बहुत बुरी तरह अब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो हमारा खाना होगा यानी कि हीट बहुत बुरी तरह से मतलब ट्रैप हो जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी इसके अंदर, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। एक तो ऊपर से जो हमारा ग्लास भी हमने यूज़ किया है, ग्लास का भी आप यूज़ करते हो या फिर किसी एक्रेलिक शीट का भी यूज़ कर सकते हो, और ऊपर से हमारा जो ब्लैक कलर का जो ये चार्ट पेपर है ये भी इतनी ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा कि हमारा जो खाना होगा वो पक जाएगा। तो बस इस वीडियो में हम इसी चीज़ का हमने आपको बता दिया कि मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से जो है काम करता है यानी कि इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। अब चलिए इसका लाइव हम इसको मतलब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि सच में हम इसमें किसी चीज़ को गर्म कर सकते हैं या फिर हम इसमें किसी चीज़ को पका सकते हैं या फिर कोई भी खाने की चीज़ हम इसमें गर्म कर सकते हैं। चलिए इसमें पहले हम पानी को उबालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सोलर कुकर, इसको मैंने कुछ इस तरह से मतलब एक स्टूल के ऊपर रख दिया थोड़ी हाइट पर ताकि इससे जो सन की हीट है वो अच्छे से लगे। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी शेडो, आप देख सकते हो शेडो बन रही है यानी कि बिल्कुल मैं सन के बिल्कुल एंगल पर खड़ा हुआ हूँ ताकि इसके ऊपर अच्छे से हीट लगे और हमारा जो पानी है वो बॉयल हो जाए। तो गाइस धूप तो बहुत ज़्यादा है, चलो अब हम का टेस्ट ले लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हम इस कंटेनर के अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और फिर देखेंगे वो पानी बॉयल होता है या फिर नहीं। तो गाइस अब देख सकते हो हमने हमारा जो कंटेनर था उसमें पानी डाल दिया हुआ है, देख सकते हो बहुत मतलब ठंडा पानी है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, मतलब ठीक ठीक पानी है। और चलो अब हम इसको इसका लिड लगा देते हैं और अब हम इसको सोलर कुकर के अंदर डाल देंगे और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे इसमें कि जो हमारा पानी है वो गर्म होता है या फिर नहीं। चलिए 2 घंटे बाद हम देखते हैं इस पानी में क्या चेंजेस आते हैं, गर्म होता है या बॉयल होता है या फिर नहीं। तो अब 2 घंटे हो चुके हैं करीब, 1 डेढ़ घंटा हो चुका है, 2 घंटे मैं वैसे ही कह रहा था, मतलब 1 डेढ़ घंटा हो चुका है हमें इसको रखे हुए, मतलब करीब 90 मिनट्स हमें हो चुके हैं इसको यहाँ पर धूप में पड़े हुए। तो अब देखते हैं कि जो हमारा पानी है उसमें क्या चेंज है। मैं कंटेनर जो आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है, सच में मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सेफ्टी के साथ इसको उठाना पड़ेगा जल्दी से, बहुत गर्म है यार ये। चलिए हम इसको ओपन कर देते हैं, ये ओपन करने खोलता हूँ, जैसे मैं इसको खोल रहा हूँ ना यार ये बहुत ज़्यादा मेरे को टाइट लग रहा है, मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये खुल नहीं रहा है। ऐसा इसलिए हुआ यार क्योंकि जो जैसे मैंने इसके अंदर हीट हुई, मतलब हीट की वजह से क्या हुआ अंदर का एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम की वजह से बहुत लिड जो था लिड बहुत ज़्यादा टाइट हो गई क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा अंदर इकट्ठी हो चुकी है ना 1 घंटे के अंदर अंदर। तो ये ओपन हो गया फाइनली, तो
एलईडी के ऊपर मैं देख सकता हूँ यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है स्टीम इकट्ठी हो चुकी है, यानी कि थोड़े बहुत वाटर वेपर्स, इनके जो पानी है वो थोड़ा बहुत हीट ज़रूर हुआ है, मतलब काफ़ी मतलब गर्म हुआ है, ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ लेकिन हीट हो चुका है, मतलब एक घंटे के अंदर पानी हमारा गर्म हो चुका है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो पानी है वो बॉयल हो चुका है, चलिए 2 घंटों के लिए और रख देते हैं, यानी कि जब तक पानी बॉयल नहीं होता तब तक इसको अभी भी हम इस सोलर कुकर के अंदर डालकर धूप में रखेंगे। दोस्तों अब पूरे के पूरे 4 घंटे हो चुके हैं इस सोलर कुकर को धूप में पड़े हुए। यहाँ मैंने बीच बीच में मतलब हर 15-20 मिनट के बाद मैंने इसका मतलब जो एंगल था वो बार बार मैंने चेंज ज़रूर किया, मतलब कभी इधर रख दिया, कभी उधर ले गया, कभी फिर दोबारा इधर रख दिया, मतलब ऐसे करना पड़ा। इसके पीछे का क्या है यार, देखो जो सन होता है ना, आपको पता होगा कि जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में से राइज़ होता है और वेस्ट की तरफ जो होता है, वेस्ट में मतलब सनसेट होता है और ईस्ट से सनराइज़ होता है। तो मतलब क्या है ना, सन जो होता है वो ईस्ट में से होता हुआ वेस्ट की तरफ जाता है। तो देखो एंगल मतलब बार बार क्या है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यहाँ से सन निकल रहा है और इधर को जा रहा है। तो जैसे मान लो ये हमारा सोलर कुकर है, तो ऐसे ऐसे जाएगा सन इसके ऊपर से, तो उसका एंगल भी हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि सन बिल्कुल डायरेक्ट अपोजिट इसकी हीट पड़े, सन की हीट इसके ऊपर अपोजिट पड़े। तो इस वजह से हमें इसका एंगल था मतलब सन के बिल्कुल हमें इसको अपोजिट रखने के लिए बार बार इसका जो एंगल था वो चेंज करना पड़ा, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें। 4 घंटे लग चुके हैं, करीब 4 घंटे हो चुके हैं। तो टेम्परेचर मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा 42 to 45 degrees Celsius हुआ है मुझे लगता है। अब देख सकते हो कितनी ज़्यादा मतलब यहाँ पर धूप पड़ रही है। तो अब देखते हैं कि पानी का क्या हल हुआ है। तो खोलते हैं सोलर कुकर का लिड और ये रहा हमारा उप्स गाइस, बहुत सच में गाइस ये जो कंटेनर है इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है। और शायद आप नोटिस, जो हमने यहाँ पर ये जो प्लास्टिक की शीट लगाई थी इसके ऊपर भी मतलब आप देख सकते हो थोड़े बहुत मुझे यहाँ पर वाटर वेपर्स दिख रहे हैं, यानी कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो है यहाँ पर आ चुका है उसकी हीट की वजह से। तो चलिए अभी इस पहले मैं इसको उठा देता हूँ, अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, एक हाथ से इसको उठाना इम्पॉसिबल है, हाथ जल सकता है मेरा। तो एक हाथ से तो मैंने अपना फ़ोन पकड़ रखा जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पहले जो है इसको पॉज कर देता हूँ, फिर आपसे आगे कंटिन्यू करूँगा। तो गाइज़ मैंने जो कंटेनर था हमारा स्टील वाला वो मैंने इसमें से सोलर कुकर में से निकाल लिया। यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती से मतलब बहुत ज़्यादा गर्म था, मेरे हाथ से छूट गया, थोड़ा बहुत जो पानी था वो यहाँ डूल चुका है, मैंने कि पानी इसमें से निकल गया और पानी सच में बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, लेकिन बॉयल तो अभी भी नहीं हुआ। गर्म सच में गाइज़ बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी कि इसका टेम्परेचर मैं नहीं बता सकता कितना है, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा गर्म है। मतलब अगर हम इसको 1-1.5 घंटा और रखें धूप में, सच में मैं ये कह सकता हूँ कि पानी बॉयल ज़रूर होगा। अब यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हो जो हमारा सोलर कुकर था वो बुरी तरह से गीला हो चुका है, क्योंकि इसके मॉइस्चर की वजह से, इसके वेपर्स की मदद से, उसकी वजह से मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अच्छी तरह से क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट इकट्ठी हो गई। यहाँ पर भी अगर मैं अपना हाथ 2 मिनट के लिए अपना हाथ इसके अंदर डाल देता हूँ, मुझे अपना हाथ मतलब काफ़ी मॉइस्चर लगता है। तो यही होता है जब हम इस सोलर कुकर में पानी गर्म करने की कोशिश करते हैं। इसे यही था आज की वीडियो में, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप घर पर एक सोलर कुकर जो है बना सकते हैं और एक काम करता है। यहाँ काम तो गैस कर ही गया, काम इसने हमारा काम कर ही दिया, हमें पानी गर्म करके देखना था, हमारा पानी गर्म हो चुका है लेकिन बॉयल नहीं हुआ। मतलब हम इसमें खाना गर्म कर सकते हैं लेकिन उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 3-4 घंटे मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आप अपने घर में गैस स्टोव या फिर माइक्रोवेव ओवन में करते हो तो यार उसमें तो 5-10 मिनट में ही जो है आपका खाना गर्म हो जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 2-3 मिनट लग जाते हैं कभी कभी, लेकिन इसमें तो गाइस 4 घंटे गाइस, पूरे 4 घंटे लग गए इस पानी को गर्म करने में, सिर्फ गर्म करने में। तो गाइस यही मतलब होता है जब हम इस सोलर कुकर में पानी को गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोबारा मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।